और इस सबके बीच एक बड़ी खबर अब आप जान लीजिए। जानकारी यह सामने आ रही है कि मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं लोपेज ओब्रादोर, उन्होंने विश्व शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तीन बड़ी हस्तियों की अगुवाई में एक समिति बनाने की मांग की है। मेक्सिको के राष्ट्रपति इस सिलसिले में एक प्रस्ताव यूएन को भेजने वाले हैं, जिसपे विश्व शांति के लिए यूएन के महासचिव, पोप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में समिति बनाने की मांग करने की बात वो रखेंगे। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं प्रणय से किस तरीके से विश्व शांति के अगुवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया जाए, ये आवाज अब दुनिया में उठने लगी है। प्रणय बताइए जरा, मेक्सिको के राष्ट्रपति जो प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं यूएन में, उसके बारे में। बिल्कुल रोमाना, ये रोचक प्रस्ताव मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्रादोर की तरफ से रखा गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चीन और रूस के बीच चल रहे तनाव को लेकर उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने जवाब में कहा कि मैं तो चाहता हूं कि एक वैश्विक शांति के लिए आयोग बनाया जाए, एक समिति बनाई जाए, जिसमें पोप फ्रांसिस, यूएन के महासचिव अंतोनियो गुतेरेस और प्रधानमंत्री मोदी को रखा जाए, और ये तीन नेता जो है वो अन्य लोगों के साथ मिलकर चर्चा करके एक प्रस्ताव बनाए, एक माता बनाए, और अगले 5 साल तक बिना युद्ध और बिना जो ट्रेड वॉर है उसके वैश्विक व्यवस्था कैसे चलाई जा सकती है, इसके ऊपर सुझाव देना चाहिए। और साथ ही जो दुनिया की अन्य सरकारें तो इस समिति के साथ मिलकर काम करें, इन्हें सहयोग करें, तो ये बड़ा रोचक प्रस्ताव है, क्योंकि मेक्सिको के राष्ट्रपति की तरफ से आया है। मेक्सिको इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का न केवल सदस्य बल्कि सुरक्षा परिषद का भी सदस्य है, और ऐसे में उसने कहा है कि भाई बाकायदा लिखित प्रस्ताव यूएन को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जी रोमारा, हालांकि भारत की तरफ से अभी फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और न ही कोई आधिकारिक चिट्ठी उन्होंने भारत को भेजी है इस सिलसिले में, लेकिन ये प्रस्ताव निश्चित रूप से रोचक प्रस्ताव कहा जा सकता है, जिस तरीके से उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसका ऐलान किया है। तो प्रणय, ये तो सीधे सीधे अब दुनिया इस बात को मान रही है कि दुनिया को अगर शांति के पथ पर कोई आगे बढ़ा सकता है, कोई शांति की दिशा दिखा सकता है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के बड़े नेताओं में से एक हो सकते हैं जो लीड कर सकते हैं, जिनमें क्षमता सबको साथ लेकर चलने की और सबको शांति का पथ दिखाने की। प्रणय, ये प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि भारत के बड़े कद की भी बात है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, और भारत ये बड़े फख्र के साथ, बड़े गर्व के साथ कहता है कि भारत ने कभी किसी दूसरे देश पर न तो आक्रमण किया, न किसी दूसरे देश की जमीन हथियाई। भारत जो है शांति का एक दूत है, और ये केवल आचरण में ही नजर नहीं आता बल्कि भारत के कथनी और कथनी दोनों में ही लगातार नजर आता है, और यही एक वजह है कि वैश्विक स्तर के ऊपर इस चीज की मान्यता भी है, भारत की आवाज का वजन भी होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भारत इस चीज के बारे में बात करता है तो उसकी बात का वजन इसीलिए होता है, और भारत के नेता के तौर पर, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर अगर नरेंद्र मोदी जाते हैं और वैश्विक मंच पर इस तरीके की बात को आगे रखते हैं तो उस बात का वजन निश्चित रूप से होता है, और शायद यही वजह है कि इसकी गूंज मेक्सिको में भी सुनाई दी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय उपाध्याय इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए किस तरीके से विश्व गुरु बनता हुआ भारत अब नजर आ रहा है। विश्व शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की मांग अब उठती हुई दुनिया से सुनाई पड़ रही है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।